मेरे साथ फुरफुरा शरीफ के पीरजादा और इंडियन सेकुलर फ्रंट के प्रमुख अब्बास सिद्दीकी पीरजादा फोन लाइन पर है मेरे साथ। अब्बास सिद्दीकी पीरजादा जी, आपका स्टेटमेंट जो मैंने सुना, आप क्या कहना चाह रहे थे? आपने कहा कि भाई मुझे भी आजादी है सर से धड़ अलग करने की। देखिए, इसके बारे में हम इतना कहेंगे, हमने बोला है इसके लिए किसी के ऊपर जिम्मेदारी नहीं थोपेंगे, ये हमारा जिम्मेदारी है। ये हम एक गुस्सा से, ये हमारा गलत अल्फाज निकल गए थे, एक स्पीच में हम बोल रहे थे ना, वो जो लफ्ज सब निकल गए थे। मेरा मूल्य का इरादा ये है, जो लोग हमारे मजहब में आपस में माफी मांगिए। देखिए, बेशक है, जो अगर इस लफ्ज से कोई तकलीफ हो तो हमको बोलना नहीं चाहिए। आपको डाउट है, तकलीफ हो, बोलिए, मैंने जो कहा गलत काम है, माफी मांगता हूँ। हाँ, बेशक इस गणतंत्र देश में बस ऐसा बोलना नहीं चाहिए, इसके लिए हम बहुत शर्मिंदा है। माफी, और बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हुआ गलत हुआ, बेशक ये भी गलत है, ये भी नहीं होना चाहिए था। और इसके लिए भी हम एक स्टेटमेंट भी दिया है, शायद आप लोगों के पास नहीं गए हैं, ये बांग्लादेश में जिस लोगों ने मूर्ति को भी छू रहा है, ये भी बहुत गलत काम है, यही कोई किसी मजहब ने ऐसा नहीं सिखाया। अच्छा, आपका अपना पास प्यार कम चीज है। पीरजादा जी, आपका जो वीडियो है उसमें तो नहीं लग रहा आप गलती से बोल गए, ऐसा तो लग रहा कि मन की भावनाएं इच्छा बाहर आ गई। नहीं नहीं, बात दरअसल ये, हम उस वहाँ कहने चाह रहे थे, अगर कुछ लोग ऐसा हमारे बंटवारे कर दे, हमारे जो भाईचारा है इसके बीच में अगर कुछ लोग ऐसा बोल, हम तो किसी मजहब को टान के नहीं बोल रहे। देखिए, कुछ कुछ जगह ऐसा है, मुसलमान अपने आपको मुसलमान कहते हैं, वो लोग आपस में झगड़ा लगाने के लिए कुछ जाके मंदिर में कुछ चीज छोड़ देते हैं, कुछ लोग अपने आपको हिंदू कहते हैं मस्जिद में जाके कुछ चीज छोड़ देता है, इसमें आप में जो भाईचारा है इसको नुकसान पहुंचता है। ये जो लोग है जो हमारे भाईचारा को खत्म कर रहे हैं, इसको सरकार में सबसे ज्यादा जो कानून है उसको फांसी देना चाहिए, सरकार नहीं दिया। इस्लामिक कट्टरपंथी, बांग्लादेशी इस्लामिक कट्टरपंथी, उनके खिलाफ। इस्लाम तो कभी ऐसा नहीं सिखाया, ये लोग इस्लाम को सपोर्ट बना रहे हैं, इस्लाम को सपोर्ट बना के ये लोग कर रहे हैं। ये तो धर्म, ये जो बांग्लादेश में हो रहा है वो इस्लामिक कट्टरपंथी तो है। नहीं नहीं, ये लोग इस्लाम के साथ कोई रिश्ता नहीं है। जैसे आज कुछ लोग हिंदू अपने आप को बोल रहे हैं, कोई जाके बोले मुसलमान को डायरेक्ट गोली मार दो, ये बोल दो, बोल दो, अगर उसके लिए हम हिंदू मजहब को क्या दुष्ट ठहरेंगे, ये तो हमारा गलत होगा। नहीं, क्योंकि कश्मीर में भी ऐसा ही हो रहा है, बांग्लादेश में भी ऐसा ही हो रहा है ना सिद्दीकी जी, कश्मीर में भी धर्म पूछकर मारा जा रहा है। आप कहते हैं आतंक का धर्म नहीं होता, लेकिन मरने वाले और मारने वाले धर्म पता लग जाता है ना। हमारे मानना है जहाँ जो मजहब ज्यादा है, जो संतरास लोग है, वो लोग उस मजहब को सपोर्ट में ले लेते हैं। आप माफी मांग रहे हैं, इतना बहुत है बचाने के लिए। आप माफी मांग रहे हैं ना, आपके आपने गलत बोला था, क्योंकि मैंने आपका स्टेटमेंट सुना तो मुझे लगा आपसे बात करनी चाहिए। आप माफी मांग रहे हैं, बेशक इस लफ्ज से हमारे देशवासी को ठेस पहुंचा है, ये हमारा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हम फिर भी हम बोलेंगे, हमारे दिल में जो दुख है, इस दुख के लिए आवाज भी हम स्पीड में बोल दिए थे। हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं जो किसी अपना देशवासी को कत्ल करे, ऐसा लूटे, ऐसा हमारा बोलने का कोई मतलब नहीं थे। ठीक है, शुक्रिया पीरजादा अब्बास सिद्दीकी।